हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे जो हम लोग का जो चल रहा था टोकन्स, ठीक है ना। हम लोग जो पढ़ रहे थे टोकन्स, है ना, टोकन्स। टोकन्स में मैं आपको जो है टोकन जो था आपको मैंने जो है कीवर्ड आइडेंटिफायर ना आइडेंटिफायर, उसके बाद आइडेंटिफायर के बाद जो हमारा था वो था हमारा पंक्चुएटर, है ना, पंक्चुएटर और लिटरल्स, है ना, लिटरल्स या पंक्चुएटर को आप क्या कहते हो, सेपरेटर, है ना, सेपरेटर, या लिटरल्स को कहते हैं आप कॉन्स्टेंट। ओके, तो ये जो है हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने बात कर लिया था कीवर्ड का, हम लोगों ने बात कर लिया था, है ना, कीवर्ड का बात कर लिया था और आइडेंटिफायर का बात कर लिया था, बट हम लोग का जो बच गया था वो सेपरेटर था और कॉन्स्टेंट था, ठीक है। चलिए हम लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं इसी का, क्योंकि टोकन्स हमारा अगर खत्म हो जाता है, अगर हम लोग टोकन्स एंड कीवर्ड खत्म कर लेते हैं तो हम लोग जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो हमारा आगे जो है, देखिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है इसके पढ़ने के लिए आपको जो है ये सब पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि क्लास क्या है हमारा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है, कंसेप्ट जो हमारा उप्स का जो है फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है, तो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए जो है हम लोग वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसका पंक्चुएटर या सेपरेटर का या लिटरल्स या कॉन्स्टेंट का, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा लिटरल्स, कि लिटरल्स क्या होती हैं, थोड़ी सा आपको बेसिक आइडिया होने चाहिए लिटरल्स, है ना, लिटरल्स या आप इसको कह लो कॉन्स्टेंट। ओके, देखिए लिटरल्स या कॉन्स्टेंट जो होती है ना, एक ऐसा जो है वेरिएबल्स होती हैं जिसका मीनिंग जो चेंज नहीं होता, ठीक है। कॉन्स्टेंट आर दोज, लिख लीजिए, कॉन्स्टेंट आर दोज हुज मीनिंग, यानी हुज वैल्यू, आप बोल लीजिए वैल्यू सही रहेगा, हुज वैल्यू डू नॉट चेंज, सिंपल आपको बड़े 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 लिखने की जरूरत है, हुज वैल्यू डू नॉट चेंज फर्दर इन प्रोग्राम। अगर आप प्रोग्राम लिखते हो, अगर आपने कॉन्स्टेंट लगा दिया, कॉन्स्टेंट लगाने के बाद जो आपने डिक्लेयर कर दिया, तो उसका वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं चेंज नहीं होने वाला। तो ये मैं लिख दूँ यहाँ पे, कॉन्स्टेंट आर दोज हुज वैल्यू डू नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द प्रोग्राम। देखिए राइटिंग थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोग्राम, ये आपका जो है हमारा कॉन्स्टेंट का छोटा सा डिफिनेशन हो गया। ओके, अब देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको बेसिक चीज़ समझ में आ जाए। आपने लिखा यहाँ पे इंट, पहले कैसे लिखते थे आप, इंट ए लिखते थे, इंट ए इज इक्वल टू 5, राइट। आप जो है इसको जो जब आप प्रोग्राम लिखोगे, आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा, ठीक है, आप इसका वैल्यू जो है आगे जाकर चेंज कर सकते हो, यानी वी कैन चेंज द वैल्यू, ठीक है, वी कैन चेंज द वैल्यू, यानी आप जो इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हो जब अगर इंट ए 5 लिखा तो। लेकिन अगर आपने इसी को जो है लिख दिया कॉन्स्ट, है ना, कॉन्स्ट लिख दिया और इंट ए इज इक्वल टू 5 अगर आपने लिख दिया, तो ये जो है 5 वैल्यू जो है कभी भी थ्रू आउट द प्रोग्राम आप नहीं चेंज कर सकते, है ना, क्योंकि आपने जैसे कॉन्स्टेंट कर दिया, आपने जैसे चीज़ को डिक्लेयर किया तो यहीं पर जो है आपका कॉन्स्टेंट हो गया। भाई यही तो कंसेप्ट है ना, ये अगर आपको पता नहीं होता आपको कि कॉन्स्टेंट लगाने के बाद ये होता है, अगर आपने लगा दिया होता, अगर आपने जो थ्रू आउट द प्रोग्राम अगर आपको चेंज करना चाहते थे, चेंज नहीं होता, और चेंज नहीं होता तो आप जो प्रोग्राम भी जो है आपका गलत आता, प्रोग्राम जो रन नहीं करता, रन करता भी तो वही वैल्यू को प्रिंट करता है ना। आपने भाई जो यहाँ पर वैल्यू ले लिया इंट इज इक्वल टू 5, अगर आप जो चाहते थे, आपने जो है डिक्लेयर किया लास्ट में या कहीं भी आपने डिक्लेयर किया इंट, है ना, इंट ए इज इक्वल टू आपने जो है 3 कर दिया, ठीक है, आप जो इस 3 को प्रिंट करोगे, प्रिंट होगा ना, ना बिल्कुल ना होगा, ये प्रिंट होगा 5 प्रिंट होगा, क्यों भाई, क्योंकि आपने जो पहले ही कॉन्स्टेंट कर रखा है, समझ रहे बातों को, ऐसे इस तरह से होता है। तो ये हमारा जो लिटरल्स होते हैं, ओके, आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास सेकंड क्या था, पंक्चुएटर था ना, पंक्चुएटर कह लो या फिर सेपरेटर कह लो, या सेपरेटर, है ना, सेपरेटर कह लो, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये जो है सेपरेटर है, यानी दो एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दो एलिमेंट्स के बीच को जो है फासला को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते, ये एग्जाम्पल आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल आप जरूर लिख लीजिएगा, लिख लीजिए
दोज, मैं इसको जो ब्लैक से लिख दे रहा हूँ ताकि पता चले, दोज एलिमेंट्स है ना, दोज एलिमेंट्स डैट है ना, डैट सेपरेट सेपरेट द एलिमेंट, एंड एलिमेंट को जो है सेपरेट करता है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, क्या करता है, सेपरेट द एलिमेंट्स फ्रॉम द अनदर एलिमेंट, अनदर एलिमेंट, एंड जो भी एलिमेंट्स होती हैं उस एलिमेंट्स को जो है थोड़ा सेपरेट करने का काम करता है। मैं बताऊँ कैसे, थोड़ा सा देखिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, आपको मैं बताता हूँ कितने होते हैं। देखिए जैसे कि आपने लिखा एंड, यहाँ पर देखिए एंड ए डॉट बी है ना, आपने लिखा ना, तो ये जो आपको दिख रहा है ना कॉमा, ये आपका सेपरेटर है। आप देख रहे हो सेमी कोलन, ये आपका सेपरेटर है, समझे आप, जो ये देखो, अब ये सब समझ गए। यहाँ पर कभी कभी आपने ये भी देखा, जो इन्वर्टेड कॉमा होती है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये भी एक सेपरेटर ही है, राइट। आप जो होते हैं ना कि जो इस तरह से यूज करते हो, जो सिंगल लाइन में होती हैं ऊपर ऊपर करके नीचे ऐसे, इस तरह से होती है ना, ये भी आपका जो है सेपरेटर ही है। एंड सेपरेटर का मतलब ऐसे समझ लो कि जो एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने का काम करता है ना, एक दूसरे का जो है फासला बढ़ा देता हो कि हाँ तुम अलग हो, ये अलग हो। देखिए हालांकि इसका यूज इसलिए होता है ताकि जो है पता चले कि हाँ ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, तब तो पता चलेगा। अगर सपोज डेट अगर मैं जो ये लिख दूँ एंट ए बी, तो क्या इंक्लूड होगा, डॉट एंड ऑपरेटर, एंड उसके बाद क्या आ जाए, ए इंटू बी जो है गलत, यानी ये दोनों का जो इंक्लूड कर देगा, तो आपको जो है अगर आपने जो ये डाल दिया तो सेपरेट हो जाएगा, अगर ये अगर नहीं डालता तो सेपरेट नहीं होगा, तो आपने जो ए भी जो है इसका वेरिएबल मान लेगा, ए भी वेरिएबल मान लेगा, है ना, ए भी मान लेगा। हाँ वो मानना क्या है, ए एंड बी, ध्यान रखिएगा, ए एंड बी, ऐसे होता है ए एंड बी, ध्यान से समझिएगा, आपको ए एंड बी बोल रहा हूँ और ए एंड बी बोल रहा हूँ मैं, ओके। अगर ए भी वेरिएबल बन जाता है, आपको अगर ए नहीं लगाओगे तो ए भी वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है, अगर आप लगा देते हो तो ए एंड वेरिएबल बी, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये था हमारा जो टोकन्स का जो है लिटरल्स एंड कॉन्स्टेंट बोल लीजिए उसको, या पंक्चुएटर या सेपरेटर बोल लीजिए, ठीक है। तो आपको जो ये चीज़ आपको पते होनी चाहिए, ठीक है। इसको जो बता दूँ कि इसका जो यूज होती है ना, इसलिए यूज होती है ताकि आप जो चीज़ों को जो है सेपरेट करके लिख सको, ताकि जो आपका वेरिएबल्स डिक्लेयर करने में आसान हो जाए। अगर टर्मिनेशन ऑफ आप जब आप लिखते हो ना सेमी कोलन, ये तो ये आपको सेमी कोलन है ना, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो आपका जो है यूज होता है जो एंड करने के लिए, किस चीज़ को एंड करने के लिए, एंड ऑफ लाइन ऑफ प्रोग्राम, लाइन ऑफ प्रोग्राम, यानी किस चीज़ का प्रोग्राम, यानी लाइन ऑफ प्रोग्राम, लाइन की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, लाइन किसी बात कर रहा हूँ, ठीक है, लाइन ऑफ प्रोग्राम, ओके। तो ये था हमारा टोकन्स का दो टॉपिक्स था जो छोटा हुआ था, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, आप इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको जो समझ में आ जाएंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच।